भागलपुर जिले में प्रथम चरण में 2 विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रणब कुमार ने कहा। कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में जो मतदान प्रतिशत रहा उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। देर शाम भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कहलगांव में 57.01% और सुल्तानगंज में 54.03% मतदान हुआ। वही प्रणब कुमार ने कहा कि खास बात यह दिखी कि महिलाओं में मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह था। कहलगांव में 58% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुष मतदाताओं ने 56.02% मतदान किया। उसी तरह सुल्तानगंज में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55.01% रहा, जो पुरुष मतदाताओं की ज्यादा थी। वहां 53.01% मतदान पुरुष मतदाताओं ने किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, महिलाओं का ज्यादा वोट देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि की सुविधा दी गई थी और मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी। दिव्यांग स्पेसिफिक बूथ पर दिव्यांगों को लाने के लिए वाहन दिव्यांग रथ का संचालन किया गया था, एवं साथ साथ वहाँ पर व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध थी, जिसको कि हम लोगों ने भी अपने स्वयं मतदान केंद्र के निरीक्षण में गोराडी प्रखंड में इसको हम लोगों ने देखा और मतदाताओं से बात करने पर भी काफ़ी संतुष्टि व्यक्त की गई। बाकी जो इस बार विशेष रूप से 5 महिला मैनेज्ड मतदान केंद्र बनाए गए थे, इसी प्रकार दोनों जगहों पर मिलाकर 10 बनाए गए थे, 5 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में और 5 कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में। सभी जगह बेहतर तरीके से मतदान किया गया। अब तक जो हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, सुनहौला में जो कोविड पेशेंट हैं उनके द्वारा भी मतदान केंद्र पर जा करके मतदान करने की सूचना प्राप्त है। रेस्ट रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो कि बूथ नंबर 311 पे शांति मंडल, इस तरह से वहाँ भी लोगों के द्वारा मतदान करने की सूचना प्राप्त हुई है और ऐसे और भी जो होंगे उसको हम लोग सूचना कलेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं के द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की गई है और 6 बजे शाम तक सुल्तानगंज एवं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का जो प्रथम चरण में इस जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया है। और ITI महिला ITI जो कि बाईपास पे है विक्रमशिला पुल के ठीक पहले, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बना है, वहाँ पर पार्टियाँ पहुँचनी अब शुरू होंगी। अभी तक कोई पार्टी पहुँची नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पार्टियाँ पहुँचनी शुरू होंगी और स्ट्रॉन्ग रूम में सभी जो पोल्ड EVM है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। और कल 11 बजे सुबह ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, जो आज रात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी जमा होगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जमा होगी, उसके आधार पर या फिर जो डिफरेंट राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अनुरोध पर या उनके फीडबैक पर ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ऑब्जर्वर के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी और सारी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। तत्काल दोनों विधानसभाओं में क्षेत्रों में चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो चुका है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी तरह की घटना की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किसी भी तरह की। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।